शर्मा रॉबिन यमी केक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेके चलती हूँ अपने किचन एरिया में और आज मैं वहाँ आपको दिखाने वाली हूँ भरवा भिंडी। सभी लोगों को भरवा भिंडी बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत तरीके से बनाई भी जाती हैं। कुछ लोग उसे बेसन के साथ बनाते हैं, कुछ मसाले के साथ बनाते हैं, कुछ प्याज के साथ बनाते हैं। मैं आज आपको प्याज वाली भरवा भिंडी बनाकर दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से और घर के ही सामान से। कुछ भी उसमें अलग से नहीं लगेगा और ये रेसिपी आपके लिए बहुत सिंपल होने वाली है। कोई भी इसे कभी भी आसानी से बना सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो देख लेते हैं भरवा भिंडी में यूज होने वाली सामग्री। ये मैंने आधी चम्मच सौंफ लिया है, ये मैंने आधी चम्मच अजवाइन ली है, ये आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी ही चम्मच मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, अमचूर। अमचूर यहाँ हम इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ हम टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। नमक स्वाद अनुसार, ये हम लेंगे किचन किंग मसाला, चाट मसाला, धनिया पाउडर, ये राई है, ये हींग चुटकी भर, ये एक प्याज है ग्राइंड किया हुआ, खड़ा धनिया साबुत, और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैं दो हरी मिर्ची लेने रही हूँ, इन्हें मैं बारीक चॉप कर लूँगी। ये मैंने कुछ भिंडियाँ धोकर और इन्हें देखिए मैंने बीच से ऐसे कट कर लिया है क्योंकि मैं इतनी ही भिंडी बना रही हूँ तो मुझे ये इतनी ही सामग्री लगेगी। और ये बारीक कटा हुआ धनिया, तो ये सारी सामग्री हमें भरवा भिंडी में यूज़ होने जा रही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अब गैस ऑन कर लेते हैं। ये मैंने गैस ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच ऑयल डालने वाली हूँ। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, सरसों का, रिफाइंड का, जिसमें भी आप बनाना चाहें। मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तेल को गर्म होने देते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे हींग। हींग को अच्छे से हमको इसमें भुनना है, उसकी खुशबू आनी चाहिए। अब मैं इसमें ये जीरा डालूंगी। मैं ये राई डाल दूंगी। राई को हमें चटकने देना है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है, मैं इसे डाल दूंगी। हरी मिर्ची, अब हम गैस बंद कर देंगे। सारे भुने हुए मसाले निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें ये पिसा हुआ प्याज मिक्स करने वाली हूँ। मैं इसे डायरेक्ट कढ़ाई में भूनना नहीं चाहती क्योंकि हम जब भिंडी को डालेंगे तो ये ऑलरेडी उसमें जाके अच्छे से हो जाएगा, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। ये बारीक सौंफ है, हल्की सी अजवाइन, हल्दी पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, चाट मसाला, पिसा हुआ धनिया, अमचूर और ये स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद ये बारीक कटा हुआ धनिया। अब हम इन्हें सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा खड़ा हुआ धनिया भी डाल देंगे। ये मैंने मसाला तैयार किया है। अब मैं इसकी स्टफिंग शुरू करूंगी। मुझे इसमें हल्दी थोड़ी कम लग रही है तो मैं थोड़ी और डाल देती हूँ। आप अपने अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अब मैंने भिंडी को इस तरह से पहले से धोकर काट कर रखा था। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। आप चाहें तो चम्मच से कर सकते हैं पर चम्मच से अच्छी होती नहीं, इसलिए हाथों का यूज़ करें, बेस्ट है। इस तरह से हमें भिंडी को भरना है। मैं एक और भिंडी आपको भर के बताती हूँ। ये कुछ इस तरीके से। भिंडियों को मैंने इस तरह से भर लिया है और अब मैं इनको फ्राई करूंगी, छौकूंगी। चलिए तो आइए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं और हम पहले ही सारे मसाले डाल चुके हैं तो अब हमें कुछ नहीं डालना है। तेल बस थोड़ा गर्म होने देना है, उसके बाद हम अपनी भिंडियों को कढ़ाई में डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, चलिए भिंडियाँ डालते हैं। और इसे लीड से ढक देंगे। हमें भिंडियों को ज़्यादा देर नहीं ढकना है लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें ढकना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। चलिए भिंडी को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा उसे पलट देते हैं बहुत ही अच्छे से। ये बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। थोड़ी देर के लिए इसे और ढक देते हैं। चलिए तो भिंडी को देख लेते हैं। भिंडी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। हाँ, भरमा भिंडी खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। वैसे तो भिंडी बहुत तरीके से बनाई जाती है। कुछ लोग बेसन के साथ बनाते हैं, कुछ लोग इसे कट करके बनाते हैं छोटे छोटे पीसेस में, और कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं। तो ये भी एक बहुत इजी तरीका है, बहुत सरल और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप इसे तुरंत बना सकते हैं। तो मुझे ये तरीका बेस्ट लगता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। चलिए तो भिंडी को, हमें क्या है, भिंडी थोड़ी क्रिस्पी रखनी है और अच्छे से पकाना है। जब तक मेरी भिंडी बन रही है मैं रोटियां भी बना लेती हूँ। चलिए तो देख लेते हैं, हमारी भिंडी बनकर तैयार है। गैस को ऑफ कर देंगे
हरा धनिया डालकर उसे अच्छे से मिलाकर उसे सर्व करेंगे। और बढ़िया इतनी अच्छी कुरकुरी भिंडी गर्मा गर्म रोटी के साथ खाएंगे।